नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव रखते हूँ। मैंने बगीचा देखा था, उसके बारे में दोस्तों आज इसके बारे में बात करते हैं। इस हिसाब से उन्होंने कब लगाया था, कैसे वो अभी इसमें फ्रूटिंग आ रही है और क्या वो इसको बेचने के लिए कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों उन्होंने ये जो बगीचा है वो कोई यूपी के कोई भाई है उनको दे रखा है और वो बेचने का काम सारा देखते हैं, वही इसको संभालते हैं। और अमरूद ये अभी इतना मीठा है तो सोच अगर थोड़ा वो नरम हो जाता और सॉफ्ट हो जाता तब डॉक्टर है। एक नंबर का स्वाद। आप लोगों ने ठेके में ले रखा है ना, ठेके में ले रखा है ना बाग? एक साल के लिए लिया है। कितने साल के लिए? 1 साल के ना है, 2 महीना के। 2 महीना के लिए। कितना वो रुपए जब जब तक फल रहेंगे तब तक। डॉक्टर में? अमरूद देख, फूल लगे हुए हैं एकदम आराम से, इनके 30,000 वसूल है आराम से। सबसे बढ़िया दिक्कत, कोई बेचने की जरूरत नहीं। और सुन, अगर ये इसको मंडी में लेके जाएंगे ना भाई, मंडी में मिलेंगे उनको 20 रुपये किलो रेट, और यहाँ पे रोड पे क्या मिल रहे हैं, 70 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये। समझ रहे हैं? कहीं जाने की जरूरत नहीं, टाइम की बचत और पैसे में बढ़िया। सही है ना भाई? और अभी ये एक इसका साइज देखो। ये 3 महीने तक आएंगे, ये अमरूद 3 महीने तक चलेंगे। अभी जो छोटे वाले है ना, ये धीरे धीरे पूरा एकदम बढ़िया चलेंगे बाद में। ये लगभग 80 पेड़ लगे हैं भाई, और इन्होंने ठेके में लिया हुआ है 30,000 रुपये में 80 पेड़। हम वो मुझे देखो लग रहा है पहली बार का इसमें फल आया हुआ है डॉक्टर, है ना? बिल्कुल। और ताऊ ने भी ये सोच के दे दिया होगा कि यार इतना मतलब इतना माथा पच्ची कौन करेगा, आजादपुर मंडी चक्कर लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल तैयार खड़ा है। तैयार एकदम। और भाई मीठे बहुत हैं ये अमरूद, साइज इनका जरूर छोटा है। किस्म कौन सी है वो तो भाई पता नहीं लग रही, देसी लग रहे। बाकी इनका स्वाद बहुत मीठा है, साइज भी एकदम छोटा है और स्वाद मीठा है। साथ में इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सरसों बोई हुई है, ज्यादा इन्होंने कोई जगह इसमें घेर नहीं रखी है, थोड़ी थोड़ी जगह इसमें बीच में छोड़ी हुई है। और जो दूरी है अमरूद की वो लगभग है इसमें 10 बाई 10 की लग रही है मुझे तो। बीच में 10 फीट की दूरी है। हाँ, 10 बाई 10 पे है सारा। 10 बाई 20 इसके जो बीच की दूरी है वो है 10 बाई 20 फीट। पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 फीट, और लाइन से लाइन की दूरी है वो 20 फीट। देखो किस तरह से इसमें कोई भी फल है वो बेकार नहीं है, कोई रोग नहीं है, एकदम साफ सुथरा है। खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है भाई। अंदर से काट के दिखाना एक बार, कैसे दिख रहा है? वो कटा हुआ था ना अपने पास, है एक और था ना आपके अपने पास? नहीं नहीं वो तो खा को लिए, ये बिना कटा हुआ है। बिना कटा हुआ है क्या? कर दिया काम तूने। फल बिल्कुल तैयार हुआ हुआ है, एकदम तैयार है ना? बिल्कुल। साइज जरूर छोटा लेकिन भाई मीठा बहुत है। ये फल बिल्कुल रेडी है। ये भाई 80 के समथिंग पौधे हैं। कुछ पौधों इन्होंने बीच में भी इन्होंने लगा दिए हैं, दूरी में भी। कई पौधे बाद में नष्ट हो गए होंगे तो इन्होंने बीच में, जैसे ये पौधा देखो खराब हो गया है, इस पौधे की जगह अब ये या तो इसमें फुटान आ जाएगी नहीं तो दूसरा पौधा यहाँ पे लगाया जाएगा। वहां पे भी बीच में थोड़ी जगह खाली रह गई है। बाकी ये टोटल लगभग है वो 80 पौधे लगे हुए हैं, और 80 पौधे इन्होंने पहली बार है वो 30,000 रुपये में, ये लोग बता रहे हैं कि हमने 30,000 रुपये में ठेके पे लिया है, जो बिल्कुल एकदम यहीं पे रोड के सहारे बेच रहे हैं। तो इनको भाव मिल रहा है अभी 60 रुपये पर केजी, क्योंकि मंडी पे इतना जाएंगे तो शायद इतना नहीं मिलेगा, किराया भाड़ा भी लग जाएगा इनका, तो मंडी पे इनको ये 20, 25, 30, 35 रुपये पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल एकदम घर के पास में इनको 60 रुपये पर केजी पड़ रहा है। और इसमें ऐसा तो है ही नहीं कि भाई अमरूद आपने लगा दिए तो उसके बाद में इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से इसमें साथ में सरसों हो रही है, खूब बढ़िया सरसों है। और अमरूद तो साथ में है ही, सरसों भी है साथ में।
कई अमरूद तो आधा केजी के लगभग भी है। वो साइज दिखा तू कोई ऐसा। अब ये वाला पौधा यहाँ पे जगह ज्यादा थी, इन्होंने बाद में लाने के बाद में फिर डाल दिया यहाँ पे ये पौधा। अब ये पौधा भी यहाँ पे धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। इस तरह उन्होंने और भी बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, छोटे पौधे हैं जो। तो जो बड़े वाले पौधे हैं ये थोड़े पुराने हैं, 2 साल के 3 साल के, और जो ये छोटे वाले पौधे हैं ये अभी नए लगाए हुए हैं, साल भर के पौधे हैं। ये भी तैयार हो जाएंगे तो ये लगभग 200-250 पौधे हो जाएंगे टोटल क्वांटिटी में। इसी के साथ में ताऊ जी का बेर का बगीचा है, तो ये इनका अमरूद का बगीचा है पूरा। अभी एकदम बिल्कुल फल एकदम पककर रेडी है और ये बेचने पे चालू हो रही हैं। तो किसान भाइयों, आप भी अपने खेत में इस तरह का बगीचा लगा सकते हैं। तो ऐसा उसमें ये बात नहीं है कि भाई साथ में आप फसल नहीं कर सकते, साथ में आप अच्छी सी फसल भी कर सकते हो और इसके साथ में अपना ये अमरूद का बगीचा भी लगा सकते हो। और यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि भाई तोते का नुकसान होता है, ऐसा मुझे तो कहीं पे कोई किसी पेड़ में दिखाई नहीं दिया। किसी भी पेड़ में कोई एक आधा फ्रूट किसी पेड़ में चला जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ना तो इन्होंने कोई नेट वेट लगा रखा है, ना कोई इन्होंने अलग से कुछ बंदोबस्त किया हुआ है कि भाई तोते का नुकसान हो या कोई जानवर का कोई नुकसान हो, कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ पौधे लगा रखे हैं इन्होंने। अब जैसे ये एक ये फल दिखा है मुझे, ये तोते से खाया हुआ है, तो अगर इतने पौधों में से अगर एक दो फल चला भी जाता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बहुत भारी भरकम नुकसान इसमें नहीं कर रखा जानवरों ने, बस इन्होंने तारबंदी करा रखी है। तारबंदी के साथ में ये बढ़िया इन्होंने सेटअप कर रखा है एकदम, और खूब अच्छा मुझे ये बगीचा लगा। अगर आप लोग भी दोस्तों इसमें इंटरेस्टेड हो या किसान भाइयों आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप लगा सकते हो। ज़्यादा इसमें कुछ खर्चे वाली बात भी नहीं है और ज़्यादा इसमें कोई केयर वाली बात भी नहीं है, ज़्यादा देखभाल वाली बात भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।